स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? ए 73वें, बी 74वें, सी 75वें, डी 76वें। आंसर सी 75वें। एक्सप्लेनेशन: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया गहरे नीले रंग का ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय अंकित है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। गहरे नीले रंग का ये प्रतीक चिन्ह न्यायालय की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अगला प्रश्न: वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर बी 4। एक्सप्लेनेशन: वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों SJVN, सौर ऊर्जा निगम, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया। भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 रेलटेल, SJVN और NHPC सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही हैं। नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। अगला प्रश्न: BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया? ए अजय रात्रा, बी संजय बांगर, सी दिनेश कार्तिक, डी MS धोनी। आंसर ए अजय रात्रा। एक्सप्लेनेशन: BCCI ने हाल ही में भारत के पूर्व विकेटकीपर अजय रात्रा को 5 सदस्यीय पैनल में सलिल अंकोला की जगह पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। सभी 5 चयनकर्ता अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और रात्रा अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न: पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? ए निशानेबाजी, बी जेवलिन थ्रो, सी तैराकी, डी ऊंची कूद। आंसर डी ऊंची कूद। एक्सप्लेनेशन: शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने 3 सितंबर को पुरुषों की ऊंची कूद 63 स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीता। भारत ने पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अभी तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य के साथ 20 पदक जीत चुका है। अगला प्रश्न: भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? ए USA, बी नेपाल, सी फ्रांस, डी रूस। आंसर सी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के तहत फ्रांस में एयरबेस 125 स्ट्रेसले ट्यूब पर उतरा है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था।